मजे में मस्त होने चाहिए। क्या करें, अगला लेक्चर देखें। अगले लेक्चर में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। लास्ट हम लोगों ने ये ड्रॉ किया था कि जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये हमें आज देखना है। इन्हें देखने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो है ओवरलैपिंग का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आज हमारा जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरलैपिंग हिंदी में बोलते हैं इसको अतिव्यापन। तो अतिव्यापन या ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने कोई भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, इस एटॉमिक ऑर्बिटल को किसी दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में जोड़ा और जोड़ करके दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर बना दिए, ये हमने यहाँ पर बना दिए। अब देखो इस एटॉमिक ऑर्बिटल में डेफिनेटली एक जो प्रोटॉन है वो होगा, दूसरी तरफ इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी होंगे। तो ये जुड़ेंगे क्यों आपस में, पहली चीज तो ये जुड़ेंगे इसलिए बिकॉज इसका प्रोटॉन तो इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन से, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन के कारण इसका प्रोटॉन तो इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डालेगा, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डालेगा, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो पास पास में जुड़ेंगे। ये तो हो गया सीधा सा फंडा। अब क्या बात आती है कि इनकी जो मिक्सिंग होती है वो मिक्सिंग जो है वो कैसी कैसी हो सकती है और उससे क्या फायदा होगा। देखो अगर मैं बात करूं अतिव्यापन की, ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग से हमारे दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक तो होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड। अब ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये कौन से अतिव्यापन से, कौन सी ओवरलैपिंग से बनते हैं और वो जो ओवरलैपिंग है वो स्ट्रांग होगी या नहीं, ये अब अपन लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरलैपिंग अतिव्यापन जो है वो हमारा दो तरीके का होगा, एक होगा कोएक्सियल, दूसरा होगा कोलेटरल समाक्षीय और समपार्श्वीय अतिव्यापन। हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्म्स को यूज किया जा रहा है। आपने बोला था मैम थोड़ा हिंदी मीडियम में भी, तो लो भाई आज हिंदी भी आ गई, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ। अब देखो क्या करना है, ये जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना इससे तो ऑलवेज सिग्मा बंध बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जबकि जो हमारे समपार्श्वीय कोलेटरल ओवरलैपिंग है इससे हमारे ऑलवेज पाई बंध यानी कि पाई बॉन्ड बनते हैं। ऐसा कैसे होता है, बहुत ही सीधा सा तरीका। देखो ये एक ऑर्बिटल है मेरे पास में और ये मेरा दूसरा ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो उस अक्ष पर आकर के ओवरलैप कर रहे हैं, उस अक्ष पर आकर के अतिव्यापित कर रहे हैं जो कि मेरी ओवरलैपिंग की एक्सिस है, यानी कि ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों एक तो इस तरीके से जुड़ रहे हैं। देखो अगर मैं इनको दिखाऊं तो मेरे पास में क्या चीज आएंगी, ये ऐसे जुड़ रहे हैं। ये जो साइन है, साइन को गौर से देखो, ये साइन किसका होता है अपना सिग्मा का, जबकि दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर दोनों ऑर्बिटल आपस के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर दोनों ओवरलैप है जो इस तरीके से ओवरलैप करके पास आ रहे हैं। तो ये वाला साइन किसका है, ये साइन किसका होता है, पाई बॉन्ड का, यानी ऐसे बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड होगा और ऐसे बन रहा है तो पाई बॉन्ड होगा। इसको अपन कैसे शो करेंगे डायग्रामेटिकली, मान लो ये मेरी ओवरलैपिंग एक्सिस है, इस ओवरलैपिंग एक्सिस के ऊपर मेरे पास में ये पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है जो कि ओवरलैप कर गया, ये ओवरलैपिंग वाला एरिया हमने यहाँ पर दिखाया, तो दोनों के दोनों इस ओवरलैपिंग एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, जबकि दूसरा हम क्या बोल रहे हैं। देखो एक चीज हमको पता है कि जो पी कक्षक होते हैं वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये मान लो पी एक्स था, ये मेरी एक्स एक्सिस थी और जो ऑर्बिटल मैंने काम में लिया हुआ था वो पी एक्स था, तो इसके परपेंडिकुलर कौन मिलेगा, पी वाई, पी वाई ऑर्बिटल कहाँ होगा, इस तरीके से ये रहा पी वाई ऑर्बिटल, इसके अंदर भी मैंने ये पी वाई ऑर्बिटल बना दिया। अब अगर ये इसके साथ ओवरलैप करता है तो ये तो थी ओवरलैपिंग एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर ये वाला ऑर्बिटल है और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इस कंडीशन में पाई बॉन्ड बनते हैं। यानी एक चीज तो हमारे पास फिट सही कि बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, यानी जहां पर भी पाई बॉन्ड बनेगा वहां पर पहले एक को ये जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी वो हो चुकी होगी। अब देखो इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, ये बोल रहा है समअक्षीय है, कोएक्सियल यानी एक ही एक्सिस जो ओवरलैपिंग एक्सिस है उसी के ऊपर आकर के ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहा है तो वो समअक्षीय अतिव्यापन होगा जिससे सिग्मा बंध बनेगा, जबकि समपार्श्वीय यानी उस ओवरलैपिंग एक्सिस के लेटरल उसके पार्श्व में उसके परपेंडिकुलर में अगर दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनेंगे। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट अपना सिग्मा और पाई बॉन्ड के बनने का। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास में कि ऑर्बिटल तो हमारे पास में एस पी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है, चार ऑर्बिटल है, लेकिन क्योंकि अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं जो कार्बन के इर्द गिर्द घूमती है तो कार्बन का कॉन्फिगरेशन याद करो, कार्बन का कॉन्फिगरेशन वैलेंस शेल वाला होता है 2s2 2p4, यानी एस और पी दो ही ऑर्बिटल यहाँ पर अपने पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग से,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में, तो एस और पी के बीच में कैसी ओवरलैपिंग होगी, कब कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये अपन लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओवरलैपिंग, अपने पास में दो ऑर्बिटल थे, एक एस ऑर्बिटल था एक पी ऑर्बिटल था। सबसे पहले तो हम लोग एस ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। देखो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें सबसे पहले सिमेट्री की, कि वो जिरेड है या फिर अनजिरेड है, तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो तो जिरेड होता है। सब तरफ उसके अंदर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहती है, यानी अगर मुझे यहाँ पर बनाना है तो मैं सब तरफ प्लस साइन बनाऊंगी। ये प्लस साइन जो है वो ये दिखाएगा कि सब तरफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, दोनों ही एस ऑर्बिटल है यानी दोनों में ही सेम है। अब देखो हमने एमओटी को पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमने पढ़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके बनने को समझाती है, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो कब बनते हैं। यहाँ मैं उसको ब्रीफली आपको रिवाइज करवा दूं कि जब भी आपके सेम जो सिमेट्री है जिरेड जिरेड से मिलकर के बनता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा ना तो वो बड़ा होगा, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास में ये नया कक्षक बन के आएगा जिसके अंदर ये जो साइन है वो आपका सिग्मा बॉन्ड को शो कर रहा है, सिग्मा बंद का बनना दिखा रहा है। ऐसा क्यों? ये ओवरलैपिंग एक्सिस है। अब मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो तो ये तो स्फेरिकल शेप है, गोलाकार शेप है, जिसमें सब तरफ हर एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो तो समान है। तो अब आप चाहे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसके साथ ओवरलैप करवाओ या यहाँ से करवाओ, कहीं से भी ओवरलैपिंग एक्सिस को गुजारोगे तो गुजारने के बाद में आपके पास में सेम ही तरीके के ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन जो है वो बन करके आएंगे। जबकि अगर अपन एसपी ओवरलैपिंग की बात करें तो एस कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता समान है, लेकिन पी के अंदर एक लोब पॉजिटिव होती है एक लोब नेगेटिव होती है। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले से इंटरेक्ट करवाओगे, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा हुआ शो कर दिया, दूसरी तरफ एरिया हमने घटा हुआ शो कर दिया। तो ओवरलैपिंग हमारी बेसिकली तो दो टाइप की होती है। फिर उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर अपन डिटेल से पढ़ते हैं, जहाँ अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तीनों को देखते हैं। तो वो डिटेल तो अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के टाइम तो देखेंगे। अभी बेसिक आइडिया के लिए इतना अपने लिए काफी है कि दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवा रहे हैं। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया इनकी मिक्सिंग को दिखाता है, अतिव्यापन को दिखाता है, ओवरलैपिंग को दिखाता है। जितनी इफेक्टिव ये ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रांग आपका बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है हमारा। लेकिन क्या होता है ना, ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद एक और नया कॉन्सेप्ट आया जो है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, संकरण का कॉन्सेप्ट। फिर पता चला कि अतिव्यापन तो फेल है, संकरण ज्यादा अच्छा है। तो संकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो क्यों अच्छा है उसको अपन देखेंगे, फिर बाद में ओवरलैपिंग को हाइब्रिडाइजेशन के साथ में रिलेट करके देखेंगे कि इनमें से कौन बेटर है। उससे पहले इसको ड्रॉ करो, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन को अपन डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट या संकरण जो है उसको अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो संकरण है वो क्या होता है। देखो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पास में वैलेंस शेल में हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट, अगर उसकी उत्तेजित अवस्था में बात करें तो ये कॉन्फिगरेशन मिल रहा है S1P3। कहां से आया ये कॉन्फिगरेशन था इसका? S2P2 हमने एक्साइटेड स्टेट में डाला तो S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उछल करके P में चला गया और सारे सारे इलेक्ट्रॉन अनपैड हो गए। इसी कंडीशन में तो ये अपने चार बॉन्ड बनाता है ना। अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है, मान लो CH4 का मैथेन का मॉलिक्यूल मैं बनाना चाहती हूँ, तो कार्बन के अलावा मेरे पास है क्या वहाँ पर? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का अगर मैं कॉन्फिगरेशन देखूँ तो उसके अंदर 1s1 इलेक्ट्रॉन है केवल और केवल अपने पास में। अब देखो क्या करना है, यहाँ से हम लोग ये बोल रहे हैं कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां पर बन रहा है। तो कुछ सोचो कि एक ही एस कक्षक है ना अपने पास में, चार अपने पास में हाइड्रोजन है, तो ये एस कक्षक इस एस कक्षक के साथ भी ओवरलैप करेगा, इस पी कक्षक के साथ भी ओवरलैप करेगा, यानी दोनों तरीके की ओवरलैपिंग अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी, SS वाली भी और SP वाली भी। पर एक चीज सोचो, SS ओवरलैपिंग हो या फिर SP ओवरलैपिंग हो, अपना एक सीधा सा फंडा ये भी तो बोल रहे हैं ना कि अगर S वाला S के साथ ओवरलैप कर रहा है और S वाला ही P के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो SS और SP इन दोनों ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ तो अलग अलग आएगी ना, बंद की जो सामर्थ्य है वो तो अलग अलग रहेगी। पर अगर इस मैथेन मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें सारे CH4 बॉन्ड सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ के होते हैं, इन सब की बंद सामर्थ्य समान होती है,
लेकिन अगर ओवरलैपिंग अलग अलग हो रही है तो बंद सामर्थ्य सेम कैसे हो सकती है? इसका जवाब देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन का है, संकरण का है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको आण्विक कक्षक बनाने ही है तो आण्विक कक्षक बनाने के लिए नया तरीका आजमाना, और वो नया तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा इस हाइड्रोजन को इस एस कक्षक के साथ करवा रहे हो, इस पी कक्षक के साथ करवा रहे हो, उससे पहले इन एस और पी कक्षकों को ही आपस में ओवरलैप करवा दो ना। इनको अगर आपस में ओवरलैप करवा दोगे तो क्या होगा, इनकी ओवरलैपिंग से एक एस और तीन पी कक्षक मिलकर के नया एस पी थ्री कक्षक बनानेंगे। अब ये कितने थे, एक दो तीन और चार, चार ऑर्बिटल थे तो चार ही ये नए कक्षक बनेंगे। ये तो अपने को पता है कि जितने कक्षक भाग देंगे उतने ही नए कक्षक, उतने ही नए ऑर्बिटल बन करके आएंगे। तो जब नए ऑर्बिटल आपके पास में चारों sp3 बन करके आ चुके हैं तो अब ये चारों s हाइड्रोजन के जो चारों s ऑर्बिटल है वो इन चारों sp3 और जो ऑर्बिटल है उनके साथ में ओवरलैप करेंगे। यानी इस बार जो ओवरलैपिंग है वो कौन से होने वाली है, यहाँ पे s sp3 ओवरलैपिंग ये होने वाली है। पहले हो रही थी ss और sp, दो अलग अलग तरीके की ओवरलैपिंग थी इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग अलग थी। अब तो एक ही तरीके की ओवरलैपिंग है, एस एस पी थ्री ओवरलैपिंग। यानी इस कंडीशन में बनने वाले चारों बॉन्ड जो होंगे वो सेम बंद सामर्थ्य वाले होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पहले इन परमाणविक कक्ष को, इन एटॉमिक ऑर्बिटल को ही ओवरलैप करवा दो, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यानी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी मिक्सिंग करवा दो, उसी को अगर हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और सबसे अच्छी चीज क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई शर्त नहीं है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप काम में ले रहे हो वो खाली होना चाहिए, वो भरा हुआ होना चाहिए, या वो आधा भरा हुआ यानी कि अनफेड इलेक्ट्रॉन उसमें होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ सब चलेंगे, हमको हाफ फिल्ड हो तो भी चलेगा, फुल फिल्ड हो तो भी चलेगा, और खाली हो तो भी चलेगा। कोई सा भी कक्षक दे दो हम तो करवा देंगे हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे तो उससे हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी आ जाएगी, उसके अंदर हमारे पास में ज्यादा इफेक्टिव नेचर बन करके आएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, अलग अलग ऊर्जा, देखो एस और पी कक्षक है दोनों अलग अलग ऊर्जा वाले हैं और दोनों की आकृति भी अलग अलग है। एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक आपका डंबल शेप होता है। तो एस और पी दोनों अलग अलग आकृति, अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक अगर मिलकर के नए सेम एनर्जी और सेम जो शेप है उसके नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रोसेस को संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और ये जो नए कक्षक बन करके आए ना sp3, इन कक्षकों को ही संकरित कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। तो संकरित कक्षकों के साथ में अगर आप इन परमाण्विक कक्षकों का अतिव्यापन करवाओगे तो बंद सामर्थ्य अच्छी होगी। इसीलिए अपन ने ये काम करवाया है कि डायरेक्टली परमाण्विक कक्षकों से नहीं करवाएंगे, संकरित कक्षकों से करवाएंगे ताकि बंद सामर्थ्य अच्छी हो जाए। अब ऐसा अपन क्यों करते हैं और किस किस तरीके से अपन कक्षकों को ऐड करके कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन आते हैं ये सब चेक करने वाले हैं। उससे पहले इतना देख लो, देखो इस फिगर में हम लोग क्या शो कर रहे हैं कि हमने एक एस ऑर्बिटल लिया है, इस एस ऑर्बिटल को हम लोग पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और एक नया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। इसका शेप देखो, स्फेरिकल शेप है। p ऑर्बिटल सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, px, py, pz तीनों ऑर्बिटल हमने यहाँ पर बनाए हैं। इसका शेप देखो डंबल शेप है। तो स्फेरिकल शेप और डंबल शेप को हमने मिलाया और एक नया शेप लेकर के आए, और ये जो नया शेप है इसके अंदर जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन करके आ रहा है वो इसकी प्रॉपर्टी को भी रखेगा और इसकी प्रॉपर्टी को भी रखेगा। दोनों की प्रॉपर्टी को रखने वाला एक नया ऑर्बिटल हमने बनाया है जिसमें बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट, ये बॉन्ड एंगल हमारे पास में यहाँ पर आता है। खास बात क्या है इसकी, वो देखो एस ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवाया और तीनों पी ऑर्बिटल के साथ करवाया है इसीलिए sp3 बना। अगर मैं इसकी जगह जो पैर है, देखो एस को अगर मैंने तीन पी के साथ ओवरलैप करवाया तो sp3 बन गया, एस को अगर मैं दो पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवाऊंगी तो क्या बन जाएगा, sp2, और अगर मैं एस को एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवाऊंगी तो sp बन जाएगा। तीनों तरीके के ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर बन करके आ सकते हैं। अब देखो इनमें से जो बच गया वो पी ऑर्बिटल कहाँ गया, ये भी तो सोचो कि अगर मान लो sp और sp sp2 हाइब्रिड ले रहे तो एक एक पी ऑर्बिटल हमारा बचा रह गया। एक बार चेक करो ये रहा पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल जो है वो इस पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है ना, यानी अगर ये ओवरलैपिंग एक्सिस है इस पे आपका ओवरलैप हो चुका है तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बन गया होगा ना। फिर ये जो बच गया
नीचे की तरफ जो बच गया वो क्या करेगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी sp2 और sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स आएंगे इनमें डेफिनेटली पाई बॉन्ड आने वाले हैं। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड आएंगे और इसी के बेस पे हम लोग हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में सैचुरेट और अनसैचुरेटेड दो जो हम लोग कैटेगरी पढ़ते हैं ना वो इसी के बेस पे पढ़ी जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करा है और ये बढ़ाने का तरीका था एस ऑर्बिटल के साथ में ये मिक्सिंग, जिससे दिशात्मक गुण यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी बढ़ जाए, ये फायदा होगा। इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ अपनी सेम तरीके की बनकर के आएगी। अब देखो sp2 या sp के लिए बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ से एक ऑर्बिटल को गायब कर देना, जेड को हटा दो sp हो जाएगा, जेड और वाई दोनों को हटा दो sp हो जाएगा। इस तरीके से आप इनकी मिक्सिंग को शो कर सकते हैं। नोट्स के अंदर आपको मिक्सिंग की भी इनकी नजर भी आ जाएगी। नहीं समझ आया आप पूछ सकते हैं मुझे, आराम से करने का तरीका सेम ही रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अब देखो अब क्या करना है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसको ड्रॉ कर लो फर्स्ट। हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का तरीका क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है हमारे पास में 1/2 सेंट्रल एटम जो भी हो उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देख लो, उस सेंट्रल एटम के साथ में कितने ऐसे एटम जुड़े हैं जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवेलेंट है, और अगर उस जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको तो घटा दो और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो। इस तरीके से फॉर्मूला आपके पास में आएगा। डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसकी, आप सीधा सीधा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल है अपना, इस CH4 मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग चेक करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा आएगा, तो कैसे चेक किया जाएगा इसको। देखो कार्बन वैलेंस शेल लिखो, इसका वैलेंस शेल होगा इसका 2s2 2p2, यानी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 4। मोनोवेलेंट एटम यानी हाइड्रोजन कैसा, कितना बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है उसका नंबर अपने पास में 4। तो फॉर्मूले में रखो 1/2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम है इसके पास में, 4। कोई चार्ज है इस पे, ना कोई प्लस चार्ज है ना कोई माइनस चार्ज है, तो खत्म बात। 4 + 4 कितना होता है 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4। 4 का मतलब क्या है, इस कार्बन के पास में 4 ही तो ऑर्बिटल है, एक एस है और 3 p है, 4 आ रहा है, इसका मतलब चारों ही ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बन करके आ जाएगा sp3। दूसरा सिंपलेस्ट तरीका वो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ये सारे ही बॉन्ड क्या सिग्मा बॉन्ड है, क्या पाई बॉन्ड नहीं है ना इनमें से कोई भी, सब एक एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यानी कि सबके सब सिग्मा बॉन्ड है, यानी टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास में, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब चारों ही ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है अपने पास में निकालने का, मॉलिक्यूल को देख करके पता लगा लो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये आएगा। इसके ढेर सारे एग्जांपल अपन ट्राई करते हैं, फॉर्मूले को नोट कर लो, डायरेक्ट ट्रिक को नोट कर लो, फिर कुछ एग्जांपल अपन लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन सबके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ट्राई करते हैं। 3 मैं करूंगी, 3 आपको करने हैं, ठीक है। देखो पहला एग्जांपल, ये तो बहुत सीधा सा है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही तो काउंट करना है ना, कर लेना। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, ये रहा दूसरा सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा है हमारा पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, टोटल इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये कार्बन हो गया आपका sp2 हाइब्रिड, यानी केवल 3 ही ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था, एक बचा रह गया था, उस बचे हुए ऑर्बिटल ने क्या किया, कोलेटरल ओवरलैपिंग की और पाई बॉन्ड को बनाया। सेम देखो इसमें भी ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड तो दोनों के लिए कॉमन है, यानी ये भी आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। ऐसे यहाँ आ जाओ, इसके बाद देखो ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, यानी एक कार्बन के पास में टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp हाइब्रिड यहाँ पर भी आ गया sp हाइब्रिड। इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, बाकी सब पे भी लग जाएगा। एक और एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, ये वाला जितने भी कार्बन है ना उन सबके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है। इस कार्बन में देखो हाइड्रोजन के साथ में 3 जुड़े हुए, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है और चौथा सिग्मा बॉन्ड ये रहा कार्बन के साथ में, यानी ये होगा आपका sp3 हाइब्रिड। बीच वाले कार्बन को देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक इधर वाला और एक नीचे वाला, पहला सिग्मा दूसरा सिग्मा एक पाई, टोटल कितने सिग्मा, 3।
यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी टू। तो अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ पर चार कार्बन है, चारों कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। इतना करने के बाद अपना हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हम लोग निकालना सीख गए, हम लोग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये सीख गए, इनके ऑर्बिटल व्यूज बनाना सीख गए। इतना तो काफी है, बच्चे की जान लोगे क्या, बहुत है, इतना सीख लिया हमने, इतना ही सीखना है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल तीन तरीके के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने होते हैं, जो हमने पढ़ लिए और खत्म भी कर लिया। तो खुश हो जाओ, मजे करो, सिर्फ इन एग्जांपल को सॉल्व कर लेना फास्ट। कीप स्टडी बच्चा बाटी।